अभी अभी भारत सरकार की तरफ से एक न्यू अपडेट आई है कि आप घर बैठे अपने लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं और घर ही बैठे बनवा भी सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि आप अप्लाई करते थे और RTO ऑफिस को की तरफ जाते थे अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और वहाँ टेस्ट देते थे, तब जाके आपका पहले लर्नर लाइसेंस बनता था, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता था। अब ये हो गया है कि आप घर बैठे ही अपने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको RTO ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अपडेट कुछ ही स्टेट में अवेलेबल की गई है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में ये अवेलेबल हुआ है कि नहीं ये न्यू अपडेट, और किस स्टेट में हो गया है, तो आप ये भी पहले चेक कर सकते हैं, और किस वेबसाइट से आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप किस वेबसाइट से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे कि कौन सी जेन्युइन वेबसाइट होती है। बहुत सारी फेक वेबसाइट भी होती है जिस पर आप जाके पूरी डिटेल दे देते हैं, पेमेंट फीस कर देते हैं, लेकिन तब भी कुछ होता नहीं। लेकिन आज की वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप कैसे किसी भी लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप परिवहन सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। या तो आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे parivahan.gov.in, इस वेबसाइट को टाइप करके भी आप अपने क्रोम ब्राउज़र में इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे इसको आप ओपन करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये ऑफिशियल और गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप इसको खोलने के बाद यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं, आप इसको खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको लाइसेंस को लिए अप्लाई करना है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे चार ऑप्शन है लाइसेंस रिलेटेड सर्विस में। पहला है ड्राइवर / लर्नर लाइसेंस, फिर सेकंड है ड्राइविंग स्कूल, इसी तरह दो ऑप्शन और हैं। तो आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहीं पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ड्राइवर लर्नर लाइसेंस वाले पे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे सेलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आप हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे स्टेट के नाम आ जाएंगे। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम उत्तर प्रदेश से इसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सभी काम आप कर सकते हैं, जैसे लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसे रेगुलर लाइसेंस भी कहते हैं, रिन्यूअल करा सकते हैं अपने DL को, अप्लाई डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे सर्विसेज हैं। आप इसे देख सकते हैं, आप पूरे लाइसेंस की सर्विसेज यहीं से हैंडल कर सकते हैं। तो आपको लर्नर लाइसेंस के लिए करना है तो आप इस पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप न्यू पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 7 स्टेप है कि आपको पहले क्या करना है। पहले फिल एप्लीकेशन डिटेल करना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फीस पेमेंट, वेरीफाई स्टेटस, और फिर प्रिंट रिसिप्ट करना है, और आखिरी है स्लॉट बुक। आपको अपने स्लॉट को बुक करना है, और बुक करने के बाद यहीं से आप अपने RTO ऑफिस जाएंगे, अपना एग्ज़ाम देंगे, और वहाँ पर आपका सारे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होंगे। तो यहीं से आप ये देख सकते हैं कि आपके स्टेट में ये वाला न्यू अपडेट आया है कि आप घर बैठे लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर ये LL स्लॉट बुक वाला ऑप्शन आपके स्टेट में नहीं आ रहा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है 7th वाला स्लॉट बुक वाला, तो समझ लीजिए कि आप अपने घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन ये स्लॉट बुक वाला ऑप्शन आप में आ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा, आपको अगर अप्लाई करना है तो बस यहाँ से कंटिन्यू करिए और आगे फॉर्म भरना फिल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी और स्टेट से हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे स्टेट में ये न्यू वाला अपडेट अवेलेबल है कि नहीं, तो आप फिर आएंगे इसी वेबसाइट पे और यही पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जो स्टेट सेलेक्ट करना है आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन मिल रहा है तो समझ लीजिए वो फैसिलिटी आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं है। अगर वहाँ पे स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन नहीं है तो समझ लीजिए आपके स्टेट में वो फैसिलिटी अपडेट हो चुकी है और आपको मिलेगी। तो इसी वेबसाइट से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।